हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग। क्या जब भी मौसम चेंज होता है तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सीजनल एलर्जीज होने लग जाती हैं? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब हम एक सीजन से दूसरे सीजन में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो वात पित्त और कफ दोष है वो प्रकोपित हो जाते हैं, यानी कि इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसकी वजह से जो भी दोष प्रकोपित होता है वो उससे रिलेटेड डिजीज उत्पन्न करता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में सीजनल डिटॉक्स के थ्रू इन दोषास को बैलेंस किया जाता है। आयुर्वेद में इस डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को पंचकर्मा कहते हैं। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं तो ना तो फूड अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और ना ही मेडिसिन, यानी कि ना तो फूड में प्रेजेंट विटामिन और मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, ना ही मेडिसिन उतनी इफेक्टिव होगी। इसलिए जब भी हम किसी क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो पहले पंचकर्म करते हैं ताकि उसके दोषास को बैलेंस किया जाए। उसके बाद हम उसे मेडिसिन देते हैं ताकि वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो। आयुर्वेद में सीजनल डिटॉक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये सिर्फ बीमार व्यक्ति के लिए नहीं है, हेल्दी पर्सन के लिए भी है। क्योंकि जब हेल्दी पर्सन सीजनल डिटॉक्स करवाता है तो वो बीमारियों से तो बचता ही है, साथ में एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देता है। क्योंकि डिटॉक्स जो है वो सिर्फ बीमारियों पर काम नहीं करता, वो एंटी एजिंग का भी काम करता है। आयुर्वेद में मेनली 6 सीज़न बताए गए हैं। उनमें से 3 मेन सीज़न हैं जो कि डिटॉक्स के लिए बेस्ट हैं। वो हैं स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न और रेनी सीज़न। स्प्रिंग सीजन में कफ दोष बढ़ जाता है तो कफ दोष बढ़ने की वजह से उससे रिलेटेड डिजीज उत्पन्न करता है, जैसे कि कफ, कोल्ड, कंजेशन, निमोनिया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद में वमन थेरेपी रिकमेंडेड है, यानी कि थेरेप्यूटिक एमिसिस। दूसरा है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में पित्त दोष इंक्रीज हो जाता है और उससे ही रिलेटेड डिजीज उत्पन्न करता है, जैसे कि स्किन डिजीज हो जाती है, एक्ने ब्रेकआउट, एक्जिमा, सोराइसिस, और इसके अलावा इनडाइजेशन, एसिडिटी जैसे इशू होने लग जाते हैं। तो आयुर्वेद में इसके लिए विरेचन थेरेपी रिकमेंडेड है, यानी कि थेरेप्यूटिक पर्गेशन। तीसरा है रेनी सीजन। रेनी सीजन में वात दोष बढ़ जाता है और वात दोष से रिलेटेड डिजीज उत्पन्न करता है, जैसे कि बॉडी एक्स होना, जॉइंट पेन होना, कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, ब्लोटिंग। तो इसको शांत करने के लिए आयुर्वेद में बस्ती ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है। तो रेनी सीजन में मेनली बस्ती दी जाती है वात दोष को शांत करने के लिए। तो इस तरह से हम अपने बढ़े हुए वात पित्त और कफ दोष को सीजनल डिटॉक्स के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग स्वस्थ मनुष्य वही है जिसके वात पित्त और कफ दोष बैलेंस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।